भाई फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, या फिर थर्ड फोर्थ ईयर में हो ना, जब हम शुरू शुरू में डीएसए शुरू करते हैं, मन में सवाल रहता है भाई कितना डीएसए करना, इतना सारा डीएसए है, आंखें फट जाती है, दिमाग हिल जाता है कि करे तो क्या करे, और ये भाई इतना लंबा डीएसए होता है। कुछ लोग भाई थर्ड फोर्थ ईयर में स्टार्ट करते हैं, देखते भाई ये तो एक साल में जाकर कंप्लीट होगा, और भाई प्लेसमेंट तो शुरू होने वाले, तो कितना डीएसए करे, कितना जरूरी है, और मिनिमम कितना डीएसए करके काम हो जाएगा वो भी आपको बताने वाला हूं। अब देखो कितना डीएसए करना है वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंपनी में जाना है। अब कौन सी कंपनी में जाना है ये किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कितना पैसा चाहिए। अगर आपको कम पैसा चाहिए, आपको चाहिए 3 लाख से शुरू हो जाए और 7-8 लाख तक पहुंच जाए, तो आप जा सकते हो सर्विस बेस्ड कंपनी में, उसमें कम डीएसए आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए मोटा पैसा, मतलब आपको चाहिए 7-8 LPA से शुरू हो और भाई पहुंच जाए 15-20 ऐसे LPA में, मतलब डायरेक्ट 1 CR तो मतलब काफी रेयर होता है, लेकिन आप 15-20-25 LPA पे जाना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पर। तो भाई सपने क्यों ना बड़े ही देखे, आप सोचेंगे कि हम तो भाई सीधा 25 LPA का लेंगे, तो भाई उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ज़्यादा मेहनत मत करो, लेकिन मैं आपको एक प्लान बताता हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे ना, तो उसके बाद आपका जो है ना 20-25 LPA के हिसाब से आप तैयारी शुरू करेंगे और बाकी जो कंपनीज है वो भी टारगेट आप कर पाओगे। अब जो है ना कुछ चीज़ें आपको सिंपल लगेगी, जो भाई ऑलरेडी डीएसए पढ़ रहा है या फिर थर्ड फोर्थ ईयर में, वो बोलेंगे क्या यार क्या बच्चों वाली बात बता रहा है। भाई ये वीडियो सभी के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए भी है, जो भाई कॉलेज में जाना चाहता है अभी कॉलेज में नहीं आया ना, उनके लिए भी है, तो भाई थोड़ा समझ लेना। अगर वो सिंप्लीफाई करके बताऊँ ना, अगर आपको कम डीएसए पढ़ना है ना, तो कम से कम कितना पढ़ सकते हो, जो आप भाई 3-4-5-6-7-8-9 LPA तक भी जा सकते हो, वो भी अच्छी खासी कंपनी TCS, इंफोसिस, विप्रो जैसी सर्विस बेस्ड कंपनीज में। क्योंकि जो कंपनीज है ना, दो कैटेगरी में आती है, सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी जो होती है वो अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है, दूसरों को सर्विस देती है। सर्विस का मतलब वो नहीं, सर्विस का मतलब है कि भाई वो सर्विस का मतलब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि भाई गेट का एग्जाम है, तो गेट का एग्जाम होना है वो भाई खुद से कंप्यूटर सिस्टम लगाएंगे, खुद से सेंटर बनाएंगे, वो अच्छा होगा किसी कंपनी से बोले कि भाई हमें ऐसे ऐसा एग्जाम कराना, कुछ इंतजाम कर दो, तो कंपनी बोलेगी कि हाँ भाई आप दे दो हमें इतना पैसा, हम करा देंगे आपको जुगाड़ और आपका अरेंजमेंट पूरा करा देंगे, टेस्ट वेस्ट हम करवा देंगे। तो गेट वाले भैया बोलेंगे ठीक है भाई हमारा गेट का एग्जाम करो, वो जाएंगे TCS के पास, TCS ने लिया पैसा, उन्होंने अपने सेंटर में एग्जाम करा दिया और जो है पूरा सिस्टम वगैरह, जो भी सॉफ्टवेयर का काम था, जो भी चीज़ होनी थी कैलकुलेशन वगैरह, वो TCS ने कराई और पैसा लिया अपनी जेब में, उसको दे दी सर्विस। ऐसी भाई SBI है, बैंक है, उनको कुछ काम है कि भाई हमें जो है ना ये इतना पार्ट जो है ये चीज़ करानी है, तो वो डायरेक्टली TCS, इंफोसिस, विप्रो से बोलेगी, या फिर कोई कंपनी है नई कंपनी स्टार्ट हुई है, उसने बोला कि भाई हमने ये कंपनी स्टार्ट करी है, हमें इसके लिए ना एप्लीकेशन चाहिए, तो वो जो है ना खुद से तो अपनी टीम को हायर नहीं करेंगे सिर्फ एक एप्लीकेशन बनवाने के लिए, वो ऐसी कंपनीज के पास जाती है, TCS, विप्रो, इंफोसिस वगैरह जैसी और भी कंपनीज हैं, वो जाकर उनका काम कर देती है। तो ये होगी सर्विस बेस्ड। एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड वो होती है जो कि खुद का प्रोडक्ट बनाती है और इंजीनियर्स भी इसीलिए हायर करती है कि वो अपने सॉफ्टवेयर पर, अपने प्रोडक्ट्स पर काम करा पाए। जैसे कि आपको पता ही है माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और नेटफ्लिक्स है, ये सभी जो है ना अपना प्रोडक्ट है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, उसका खुद का प्रोडक्ट क्या है, विंडोज है, MS ऑफिस है, विंडोज 11 है एग्जाम्पल के लिए, अभी उनको चाहिए विंडोज 12, तो उन्होंने ना इंजीनियर जो हायर कर रखे वो जाएंगे कि भाई इधर आ, इधर बात सुन के हम जो है ना विंडोज 12 पर काम कर रहे हैं, हमें जो है ना विंडोज 12 बनाना है, अब इसके ना हम एक नया ये वाला फीचर देंगे, इस पर काम करो, इस पर सोचो किस तरह से काम कर सकते हैं, वो अलग टीम होगी, फिर वो अपना उस पर जो काम शुरू करेंगे, भाई प्रोग्रामिंग करके इसका सॉफ्टवेयर बनाओ, तो वो खुद के प्रोडक्ट्स पर अपने इंजीनियर से काम कराते हैं, दूसरों के लिए नहीं कि भाई आ जाओ भाई हमारे इंजीनियर से काम करा दो। तो ये हो गया सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड। तो अब आपको डिसाइड करना है किस में जाना है। भाई ये तो बात की बात है पैसे की, तो पैसा ज्यादा चाहिए तो आप जाओ प्रोडक्ट बेस्ड पर, कम पैसा चाहिए तो जाओ सर्विस बेस्ड पर। गवाह फिर आगे सवाल का जवाब नहीं मिला ना, कितना आपको डीएसए करना है। अब बताता हूँ भाई, ये भी जरूरी था, आपको पता होना चाहिए था, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे। अब सिंपल क्या करो, एरेस करोगे, स्ट्रिंग करोगे, स्टैक क्यूज कर लिया, लिंक लिस्ट कर लिया, इस तरह के जो बेसिक आपको डीएसए है ना, इससे भाई काफी सारी कंपनीज आप कवर कर सकते हो। जैसे कि आपका TCS, इंफोसिस, विप्रो और HCL हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, आपका एसेंचर हो गया, और भी काफ़ी सारी आपको सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, ये आराम से आप क्रैक कर सकते हो। और जितनी भी ये सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है ना, ये भाई कम डीएसए पूछती है, ये पूछती है आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग, मतलब वर्बल एबिलिटी हो गया आपका, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया और रीजनिंग एबिलिटी।
तो ये जो है ना टेस्ट होते हैं, मतलब ये इनका सेम पैटर्न है, सिमिलर सा पैटर्न है कि भाई एप्टीट्यूड का टेस्ट करा लिया, वही जो बेसिक मैथ्स वगैरह होती है और रीजनिंग वगैरह करा ली, उसमें से फिल्टर आउट कर दिए, जो पास हो गए वो आगे जाकर इंटरव्यू में उनसे थोड़ा बहुत डीएस से पूछ लेते हैं या फिर एक कोडिंग राउंड भी करा देते हैं या फिर उसी टेस्ट में कोडिंग हो जाती है। जैसे कि टीसीएस है, उन्होंने अपना एप्टीट्यूड करा लिया, रीजनिंग करा लिया, उसके बाद कोडिंग करा ली, कोडिंग ना भी हुई ना तो भी वो हायर कर लेता है, इस तरह का सीन रहता है। मेन उसमें ना एप्टीट्यूड और रीजनिंग रहता है। तो भाई अगर आपका थोड़ा ऐसे ही है कि आपको डीएस से थोड़ा कम आता है तो थोड़ा बेसिक डीएस से कर लेना, एरे, स्ट्रिंग और स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट वगैरह, उसके बाद अपना ये एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह की तैयारी कर लेना। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना स्टार्टिंग में ना, यही प्लान है, देखो आप जो ना बेसिक डीएसए से स्टार्ट करो, वो तो करना ही है, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड के लिए जा रहे हो या फिर सर्विस बेस्ड के लिए जा रहे हो। आपने स्टैक कर लिया और क्यू कर लिया, लिंक लिस्ट आ गया और आपके एरे, स्ट्रिंग वगैरह सारी चीज हो गई। अब इससे आगे बढ़ने से पहले ना इसी को ना स्ट्रांग करना पड़ेगा, इसी पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब इस पर बढ़िया करके आपने प्रैक्टिस कर ली ना, बढ़िया स्ट्रांग हो गया, तो भाई आप ना रेडी हो चुके ऑलरेडी हजारों कंपनीज के लिए और टॉप कंपनीज के लिए, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, हालांकि भाई मतलब पैकेज तो थोड़ा कम ही है, लेकिन आप इनके लिए रेडी हो गए। इनमें जाकर आप टेस्ट, एग्जाम वगैरह दे सकते हो और आपकी जॉब लग सकती है। लेकिन जब ये आपका स्ट्रांग हो गया ना, इसके बाद थोड़ा आप एडवांस डीएससी पढ़ सकते हो, क्योंकि उन एडवांस डीएससी को पूछा जाता है जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज वगैरह, इनमें ये चीज़ें पूछी जाती है। इसके लिए भाई ट्री हो गया, ग्राफ हो गया, डीपी हो गया, हैश मैप हो गया, इस तरह के एडवांस डीएसए पढ़ने होते हैं। अब किस कंपनी के लिए कितना डीएसए पढ़ना है, इसकी पूरी डिटेल हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लो कितना डीएसए किस कंपनी के लिए है। अब आपको कितना डीएसए पढ़ना है, सिंपल शॉर्ट में बताऊँ ना, आप शुरू करो स्टार्टिंग से, एरे करो, स्ट्रिंग करो, उसके बाद स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट कर लो। अब इसके बाद खुद को देखो, क्या आप ये डीएसए कर पा रहे हो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की इतने डीएसए के बाद कि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रही है या फिर नहीं। अगर आपसे हो पा रही है तो भाई आगे बढ़ो, आगे के जो एडवांस डीएसए है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स है, एल्गोरिदम्स है, उनको करो, ट्रीज करो, ग्राफ्स करो, और आपकी ग्रीडी हो गई और आपका डीपी हो गया, ये सारी चीज़ें करो, फिर से आप बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए इंटरव्यूज दे सकते हो, उनके एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप भाई एरे, स्ट्रिंग, क्यू, लिंक लिस्ट ही आपका स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है ना, तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है ना आगे के एडवांस डीएसए पढ़ने शुरू कर दो। भाई जब तक वो क्लियर नहीं होगा, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ना भाई इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। तो इसलिए कह रहा हूं, अगर आपसे हो जाता है तो उसके बाद ही आगे बढ़ना, वरना उससे आगे मत बढ़ना। और एक टिप है अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस स्टूडेंट्स के लिए, जिनका भाई फोर्थ ईयर आ गया, प्लेसमेंट शुरू हो गई, उन्होंने अभी तक टीएसए शुरू नहीं करा। काफी सारे अल्ट्रा लेजेंड्स, प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्लस माइनस होते हैं, तो उनके लिए बता दूं भाई मिनिमम कितना डीएसए कर सकते हो कि भाई आपकी जॉब लग जाए कम से कम आईटी में। तो आपको जो है ना कम से कम एरे और स्ट्रिंग करना पड़ेगा, और एरे और स्ट्रिंग करने के बाद आप काफ़ी सारी कंपनीज के जो है ना जो कोडिंग राउंड होता है वो क्लियर कर सकते हो। अब गारंटी नहीं है, क्योंकि 70-80% क्वेश्चन जो होते हैं ना सर्विस बेस्ड कंपनीज में वो एरे और स्ट्रिंग से ही होते हैं। बाकी आपका स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। बाकी मैं सोच रहा हूँ ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है ना, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो वगैरह, इनके लिए क्या क्या पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है, वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूं, क्योंकि भाई काफी लोग जो है ना इन्हीं कंपनीज को टारगेट करना चाहता है, लेकिन वो गलत चीजें पढ़ने लगते हैं। जैसे कि डीएसए में भाई डीपली डीएसए में चले गए, या फिर डेवलपमेंट में चले गए, वेब डेवलपमेंट ही पढ़ने में लगे पड़े, लेकिन भाई वो चीज उसमें नहीं पूछी जानी है, जो चीज पूछी जानी है वो पढ़ो ना। तो अगर आप चाहते हो पूरा रोड मैप लाऊं, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में हो और प्लेसमेंट की अभी से तैयारी शुरू कर दी, या फिर थर्ड, फोर्थ ईयर में हो, या फिर लास्ट मोमेंट वाले हो आप, तो भी कमेंट बता देना, उसी के अकॉर्डिंग वीडियो आ जाएगी। किस टाइम? सैटरडे शाम 7 बजे। तब तक के लिए बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सर्विस का मतलब है एग्जाम्पल, सर्विस का मतलब